रेड हो चुका है जो हमने बुनाई के लिए डाला था। और ये देखिए ये पूरा एकदम मांस अलग छोड़ दिया है हड्डी से। और ये देखिए पाया भी पूरा गल चुका है। ये मक्खन की तरह हो गया पूरा। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और बहुत दिन हो गए वीडियो डाले हुए और अब ठंड भी आ चुकी है, तो ठंड के हिसाब से अब हम डालेंगे अच्छी अच्छी वीडियो। तो आपने अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठंड को मद्देनजर रखते हुए आज हम बनाने जा रहे हैं सीरी और पाया, और उसके अंदर एक सरप्राइज भी है जिसके अंदर हम चुस्ता डाल के भी बनाएंगे और आपको दिखाते हैं और बताते हैं पूरी रेसिपी। तो हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमने सीरी और पाया दोनों ले लिया है, तो इसमें हमने चार पाए डलवाए हैं ये देखिए। और इसको अच्छे से हमने कटवा लिया है भुनवा के, इसकी स्किन नहीं उतरवाई हमने, इसको भुनवा के अच्छे से साफ करवाया है और उसके बाद कटवा के लाए हैं। और ये देखिए सीरी, और इसका मेन जो पार्ट होता है, जो मेन जिसके अंदर इसका मगज रहता है, वो भी हमने इसमें रखवाया है। तो ये देखिए ये इसका मेन पार्ट है, और इसी के अंदर जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसका ब्रेन निकलेगा इसमें से, जिसको हम मगज भी कहते हैं। और ये हमने तो बताएंगे, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होगी, एकदम देसी स्टाइल में बनाएंगे हम। तो चलिए आगे का दिखाते हैं क्या है। सिरी पाया आपने बहुत सुना होगा, लेकिन किसी ने आज तक उसके अंदर चुस्ता डाल के नहीं बनाया होगा ये। तो हमने इसके अंदर एक चुस्ता भी डलवा दिया है। और ये क्या होता है और कैसे निकलता है बकरे से, ये आपको देखने के लिए मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी हैं इसकी, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और ये सब हम मिला के अब एक साथ बनाएंगे, वो भी एकदम देसी स्टाइल में। तो हमने ये चार पांच प्याज अच्छे से साफ करके इनको अच्छे से स्लाइस कर लिया, और ये ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 150 से 200 ग्राम होंगे। और दोस्तों ये देखिए, हम इसमें छोटा सा पीस अदरक का और अच्छे खासे एक कटोरी, आधी कटोरी के आसपास लहसुन होंगे इसके अंदर, और चार पांच हरी मिर्ची हमने अच्छे से कूट लिए, इसे पीसा नहीं हमने, कूटा है इसमें। हाँ, तो दोस्तों ये हमारे साबुत गर्म मसाले हैं, जिसके अंदर हमने दो ले लिए तेज पत्ता, तीन चार ले लिए हमने लौंग, एक बड़ी इलायची, और ये थोड़ी सी हमने 10-12 हमने काली मिर्च ले ली है, चार लाल मिर्च साबुत, और ये थोड़ी सी दालचीनी ले ली हमने। तो दोस्तों कुकर तो हो गया हमारा अच्छे से हीट, इसके अंदर हम डाल देंगे सरसों का तेल, जिससे अच्छे से हमारी सीरी पाए की भुनाई हो सके। और बहुत से लोग सीरी को पहले और पाया को दोनों मिला के अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद मसाला अच्छे से भून के उसके अंदर मिलाते हैं, तो उसका टेस्ट और इसका टेस्ट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जैसे गांव में लोग बनाते हैं देसी तरीके से, वो हम बना के दिखाएंगे आपको। और इसके अंदर कूट के हमने लहसुन अदरक भी रख लिया है, और फिर आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं एक बार तेल हीट हो जाए। तेल हमारा अच्छे से हो गया है हीट, इसके अंदर हम डाल देंगे ये लाल मिर्च और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई हो चुकी है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज जो हमने अच्छे से चॉप कर ली थी। प्याज को करना है हमें अच्छे से ब्राउन, और साथ में ये जो खड़े गरम मसाले हमने जो लिए थे ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इससे हमारे खड़े गरम मसाले जलेंगे नहीं। अब इसको ब्राउन करने के लिए हम छोड़ देते हैं तेज हीट पे, और ऊपर से ढक देते हैं किसी चीज से। प्याज हो गए हमारे अच्छे से ब्राउन, और हमें ऐसे ही चाहिए थे। इसके अंदर अब हम डालेंगे देगी मिर्च, डेढ़ चम्मच के आसपास कलर के लिए, और साथ में हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच हल्दी का, इतनी हल्दी काफ़ी है, ज़्यादा हल्दी भी नहीं डालनी, क्योंकि मटर को हल्का सा भून लेंगे, और गैस को कर देंगे हम थोड़ा डाउन, क्योंकि जिससे हमारे मसाले जले ना। ये हमने अच्छे से मिला दिए, और अब बारी है डालने की इसके अंदर सिरी और पाया। ये देखिए हम एक एक करके इसके अंदर डाल देते हैं। सिरी और पाया जिसे हमने अच्छे से धो लिया, और ये चुस्ता भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और साथ में ही हम जो हमने हरी मिर्च अदरक लहसुन कूटा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हमें
इसके अंदर डालना है नमक, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी तो मैं कम डाल रहा हूँ, बाद में कम होगा तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगा इसके अंदर। अच्छे से हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और इसको हम ढक देंगे। हमें सिरी पाया डाले हुए हो तो गए हैं कम से कम 4-5 मिनट, तो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए इसकी स्लो हीट पे हल्के हल्के भुनाई हो रही है। और अदरक लहसुन हमने डाल दिया है, तो इसके अंदर से जो स्ट्रॉन्ग सी इसकी स्मेल होती है वो इसमें से चली जाएगी। साथ ही हम जो बचे कुचे मसाले हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, जैसे कि लाल मिर्च हम थोड़ी सी डालें क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली थी, तो कहीं ज़्यादा तीखा ना हो जाए, तो इस वजह से हम थोड़ी सी डालेंगे। और साथ ही हम इसमें जीरा और धनिया का पाउडर है, ये जो मिक्स है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए ये कम से कम 3 चम्मच डाल देंगे, तभी तो आएगा हमारा देसी स्वाद घर का। और इसके अंदर कोई बाहर के मार्केट के मसाले नहीं डालने, ये घर के मसालों में ही आराम से बन जाएगा। और ये हम अपने घर का पिसा गरम मसाला वो डाल रहे हैं, एक चुटकी के आसपास, इतना काफ़ी है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो हीट पे धीरे करके रख देंगे 10-15 मिनट और इसको अच्छे से ढक के पकाएंगे और कुक होने देंगे। इसको भुनाई होते हो गए हैं लगभग 35 से 40 मिनट और एकदम स्लो हीट पे इसकी भुनाई हम कर रहे थे अच्छे से। तो ये देखिए मसाला अच्छे से कट चुका है एकदम पूरा अच्छे से, और ऑयल भी छोड़ने लग गया है इधर से, ये ऑयल भी सेपरेट हो चुका है जो हमने भुनाई के लिए डाला था। और ये देखिए ये पूरा एकदम अच्छे से भुन चुका है। अब बारी है इसके अंदर डालने की पानी, और जितनी भुनाई करनी थी हमने कर ली है इसकी, अब पानी डाल के इसको इसके अंदर जो हम डालेंगे वो हमें गर्म पानी डालना है। तो ये देखिए ज़्यादा पानी तो हम नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम डाल के देखेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए इसकी, हमें ऐसी चाहिए कि हम आराम से रोटी के साथ खा सकें। सारा मसाला इसका पानी में मिक्स होता जा रहा है, थोड़ा सा और पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे अब हम कुकर की अगर सीटी लगाएंगे तो ये अच्छे से गल जाए। इसको अच्छे से पहले 5 मिनट ढक देंगे, उसके बाद फिर हम इसकी ढक्कन लगा के सीटी लगा देंगे कि सिरी पाई की क्या कंडीशन है, क्योंकि पानी डालने के बाद हमने 5 मिनट ढक के छोड़ दिया था। और ये देखिए धीरे धीरे ऑयल पूरा सेपरेट हो चुका है साइड साइड में, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा, ये देखिए। और इससे ये पता चलता है कि हाँ हमारा मसाला कितने अच्छे से भुना है। और अब बारी है, इसको कुछ नहीं करना है, हमें लगा देनी है इसका ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद हमें इसे 7-8 सीटियाँ देंगे और उसके बाद फिर डिश आउट करके दिखाते हैं और आपको रिव्यू देते हैं कि कैसा बनाइए। सिरी पाया बन के हो गया तैयार, तो एक बार इसको देख लेना चाहिए क्योंकि हमने 8 से 10 सीटियाँ लगा दी थी, अच्छे से गल गया था सिरी पाया हमारा। तो ये देखिए ऑयल पूरा ऊपर सेपरेट हो चुका है, और ये देखिए ग्रेवी हमने थोड़ी सी रखी थी, ऑयल पूरा अच्छे से सेपरेट हो चुका है। और इसको एक बार चला लेते हैं और देख लेते हैं, ये देखिए थोड़ी सी ग्रेवी है और मीट भी सारा गल चुका है इसका। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको खा के दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। ओके गाइस, हाँ तो दोस्तों हमारा सिरी पाया बन के हो गया पूरा तैयार, और ये देखिए क्या मस्त रंगत आई है, ऑयल भी सारा सेपरेट हो चुका है और ये अच्छे से गल भी गया है। तो इसके ऊपर हम धनिया पत्ते से गार्निश ही कर देंगे,
और उसके बाद अब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले इसकी ग्रेवी हम टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए, बहुत ही गजब का हुआ ये, और इसके अंदर मसाले वसाले भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं। और बाकी इसका फ्लेवर है जो, उसका तो फ्लेवर अल्टीमेट आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मस्त है और थोड़ा स्ट्रांग है मटन से। बाकी ये बना बहुत अच्छा है। बाकी हम अब पीस चेक करके बता देते हैं आपको किसकी गलावट कैसी हुई है। तो ये देखिए, ये कितनी बढ़िया गलावट हुई है इसकी, कि मांस अलग छोड़ दिया है हड्डी से। और ये देखिए, पाया भी पूरा गल चुका है। ये मक्खन की तरह हो गया पूरा, क्योंकि हमने इसकी भुनाई इतनी जबरदस्त की थी। ये देखिए, बहुत ही मस्त। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप भी मेरी रेसिपी ट्राई करिए और बनाइए, और हमें बताइए कमेंट करके कि देसी स्टाइल में सिरी पाया कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, मैं तो अपना मील अब इंजॉय करता हूँ, और आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अब आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी।